नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये वॉल डेकोरेशन जिसमें ग्रीन ग्रास लगा हुआ है और इसके साथ बैकलाइट लाइटिंग भी है। इस तरह का वॉल आप बनाने के लिए वीडियो पे बने रहें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग बताएंगे, इसकी कॉस्टिंग भी बताएंगे कि क्या कॉस्ट इसे लगता है बनाने में। काफ़ी कम रेटों में आप इस तरह से आप बहुत ही अट्रैक्टिव वॉल डिज़ाइन बना सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे जानिएगा, और हाँ ये घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, ना तो आने वाला वीडियो ज़रूर आप मिस कर जाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो वाल आपको दिख रहा होगा ये इस तरह का लुक पहले दिख रहा था, जैसे आपने हाइलाइट्स में देखा होगा कि वो बनने के बाद कैसा लग रहा है। ये एक प्लेन दीवार है और इसमें आप देख सकते हैं कि तीन साइड से ये एक साइड का दीवार जो था वो निकला हुआ था, मगर हमें दो साइड उसी के लेंथ में हमें ऊंचा कर एक फ्रेम बनाना था। देख सकते हैं इसकी फ्रेमिंग के लिए हमने ACP सीट का यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा चीप पड़ेगा हमें करने, वुडन के कंपेयर में ये सस्ता पड़ेगा। और देख सकते हैं आप, ये जो फ्रेम हमने चारों साइड से बनाया है इसमें हमने LED स्ट्रिप लाइट लगाया है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मार्केट में इजी अवेलेबल है। ये जो लाइट है आपको 350 रुपये में मिल जाएगा ये फुल लेंथ बनाने में। अब आता है देखिए, ACP सीट जो है एक बोर्ड मुझे लगा है, इसकी जो कॉस्ट है ये 400 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये ग्रास है, ये 30 से 35 से 40 रुपये के स्क्वायर फीट में ये आता है। तो ये अप्रॉक्स मुझे इसका जो एरिया था 5 फीट बाय 9 फीट था, तो हमें अप्रॉक्स 45 फीट हमें स्क्वायर फीट लेना पड़ा था, जो कि कॉस्ट आता है 1800 रुपया। और जो ACP सीट था वो 600 रुपया। तो आपका इसमें जो पूरा बनाने में जो हमारा कॉस्ट आया है वो आया है 3500 रुपया। 3500 रुपया में आप इस तरह से खूबसूरत एक वॉल डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप फोटो फ्रेम भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने लाइट लगाया था, और लाइट लगा के एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो फ्रेम के कॉर्नर में जो बैकलिट लाइट कैसा लगता है देखने में। ये लगा दिया, अब धीरे धीरे हम लोग इसको एक एक स्टेप बाई स्टेप इसको डेकोरेट करेंगे। ये ACP सीट लगाने के लिए हम लोग इसमें L सॉकेट लगाया है, जिसमें हम लोग स्क्रूप के साथ में ACP की तरफ सीट की तरफ में एक बार टाइट किया और एक तरफ हमें वाल में लगाया। ये देखिए इस तरह से ग्रास को हमने स्क्रूप की सहायता से वाल में माउंट कर दिया है। स्क्रूप इसलिए लगाया, हमने कील भी लगा सकते थे हम, मगर स्क्रूप इसलिए लगाया कि कभी हमें इसे गंदा हो जाए तो इसे निकाल के वास करना हो तो अच्छे से वास कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पूरा 5 बाय 9 फीट का ग्रास का एरिया जो है कवर हो चुका है। ये जो ग्रास था ये 4 फीट अरज का था, 48 ये इंच का था, तो हमें कुछ कटपीस भी साइड में लगाना पड़ा क्योंकि ये 5 फीट का अरज में नहीं था मुझे मिला। अब ग्रास लगाने के बाद अब देख सकते हो लाइट का क्या इफेक्ट आ रहा है, मगर ये जो लाइट है ये दिखे ना, इसलिए इसके ऊपर हमें ACP से कवर करना है। जो लाइट है हमें वो दिखे नहीं, ये हमने लाइट इसमें लगाया है, वो बस उसकी रोशनी आनी चाहिए, लाइट नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ACP काटा है और उसको हम लोग चारों तरफ से उसके ऊपर कवर करेंगे। ये देखिए फोटो फ्रेम भी हमने लगा दिया है। ये आपको, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको अब हमारे आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये जो फोटो है बैकलिट वाला है, इसमें लाइट लगी हुई है, इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन होता है इस फ्रेम में। तो ये फोटो का जो बनाने का वीडियो है वो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फोटो के साथ में लाइट जो है कैसा लग रहा है, जब इसको हम लोग कवर करेंगे तो फाइनल लुक आएगा। और जो ACP है हमारा वो सिल्वर कलर का था, अगर हमें वो छिपाना था, मुझे हमें इसमें वुडन लुक डालना था, तो हम लोग इस ACP के ऊपर में वॉलपेपर लगाएंगे वुडन टाइप का, जिससे वो पैटर्न लगे। देखिए इस तरह से हमने ACP से उसके बॉक्स को कवर कर दिया है, इस तरह से 4 इंच का पट्टी लगाया है। अब इसको हम लोग इसके ऊपर वॉलपेपर लगाएंगे, जिससे ये इसका जो जॉइंट है वो ना नहीं दिखेगा और ये एक वुडन लुक में दिखेगा, जिससे इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से हमने लाइट को कवर कर दिया, ये पट्टी चारों तरफ से लग गई स्क्रूप की सहायता से, क्योंकि बीच में हम लोगों ने कुछ प्लाई का टुकड़ा लगाया था जिसमें हमने ACP को अच्छे से टाइट कर दिया। ये काफ़ी किफ़ायती रेट में आप इस तरह से डेकोरेटिव दीवार बना सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी डेकोरेटिव शोपीस लगा सकते हैं, फोटो फ्रेम लगा सकते हैं। देखिए ये वॉलपेपर है वुडन डिजाइन में,
जिसको हम लोग एसीपी सीट के ऊपर लगाएंगे, जिससे हमारा जो लुक है वो लगेगा कि ये वुडन का बना हुआ है, लकड़ी का लगा हुआ है और ये एसीपी नहीं दिखेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक है, ये हमारा वॉलपेपर लग चुका है और ये कंप्लीट हो गया। और बताएं कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है और इतने सस्ते रेट में आप इसको आसानी से बना सकते हैं खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।